हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे IOCL में अप्रेंटिस निकला हुआ है, IOCL का रेफिनर डिवीजन में अप्रेंटिस निकला हुआ है और यहाँ पे हर साल IOCL का डिफरेंट डिवीजन से अप्रेंटिस निकलता रहता है। अलग अलग डिवीजन में अप्रेंटिस हमेशा हर साल 400, 500, 1000 ऐसा कुछ अप्रेंटिस निकलता रहता है और इस बार तो रेफिनर डिवीजन में 1900 से भी ज़्यादा अप्रेंटिस में पोस्ट निकला हुआ है। ये जो अप्रेंटिस का पोस्ट है, मतलब यहाँ पे मैं स्पेशली IOCL का अप्रेंटिस पोस्ट के बारे में बोल रहा हूँ। ओके, तो इसको करके आपको इन फ्यूचर कुछ फ़ायदा आपको होने वाला है या नहीं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके साथ आपका यहाँ पे क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपको यहाँ पे सिलेक्शन अगर आपका हो गया तो ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे क्या सिखाया जाएगा, क्या बोला जाएगा, आपको क्या काम करना पड़ सकता है, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। आपका यहाँ पे स्टाइपेंड यानी कि सैलरी कितना आपको मिलने वाला है उसके बारे में भी मैं आपको बोल दूंगा। और यहाँ पे आप मेरे बात को क्यों सुनेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स मैं यहाँ पे ऑलरेडी IOCL से अप्रेंटिस कर चुका हूँ और यहाँ पे एज ए एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब IOCL में अप्रेंटिस कर चुका हूँ, तो मुझे IOCL का जो अप्रेंटिस करते समय जो भी मुझे एक्सपीरियंस मिला है सो उसको मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करूँगा और आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बोल देते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको यहाँ पे फर्स्ट एक एग्जाम देना पड़ेगा। तो देखिए, सपोज यहाँ पे IOCL का किसी भी डिवीजन से, यानी कि मार्केटिंग डिवीजन हो गया या फिर पाइपलाइन डिवीजन हो गया या फिर रेफिनरी डिवीजन, ओके, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आता है कि यहाँ पे इतना अप्रेंटिस का पोस्ट वैकेंट है, आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, तो आप क्या करते हो, IOCL का जो अप्लाई पोर्टल है, ओके, वहाँ पे चले जाते हो, वहाँ पे IOCL में अप्लाई कर देते हो। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नार्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ओके, तो नार्स में रजिस्ट्रेशन कर दिए और यहाँ पे IOCL का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाकर अप्लाई कर दिए। अप्लाई करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद 15-20 दिन के अंदर आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाता है। और उसके बाद एक महीने के अंदर, मतलब जब आप फॉर्म फिलअप किए लास्ट डेट, ओके, लास्ट डेट से एक महीने के अंदर आपका यहाँ पे ऑनलाइन जो एग्जाम होता है उसको कंडक्ट कर दिया जाता है। ओके, यहाँ पे ज़्यादा डिले नहीं किया जाता है, मतलब अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे बहुत ही जल्दी उनका जो सिलेक्शन प्रोसेस चलता है। ओके, तो यहाँ पे 15-20 दिन के अंदर आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया गया। उसके बाद 5-10 दिन के बाद आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद देखिए, एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चे सर्च करते रहते हैं कि यहाँ पे IOCL का जो एग्जाम होता है उसमें क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, एग्जाम सिलेबस क्या रहता है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपका यहाँ पे जो सिलेबस क्या होगा, ओके, यहाँ पे आपको टोटल 100 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका जो डिसिप्लिन होगा, आपका जो डोमेन ब्रांच होगा उसमें से पूछा जाएगा और 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जैसे कि आपका 50 क्वेश्चन, सपोज आपका अभी आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हो या फिर सिविल इंजीनियरिंग से अप्लाई कर रहे हो, तो सिविल इंजीनियरिंग में जितना सारा सब्जेक्ट होगा, ओके, उनमें से आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सिविल इंजीनियरिंग से 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट से देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका GK हो गया या फिर आपका एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, इनमें से आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होगा उनका लेवल बहुत ही इजी होगा, इजी से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, ओके, लेकिन अगर कोई मतलब थोड़ा बहुत पढ़ता रहता है, ओके, तो इस एग्जाम को वो आराम से क्लियर कर सकता है। ओके, जब मैं एग्जाम दिया था, ओके, तो मैं कुछ भी पढ़ा नहीं था, ओके, मैं रियल बात बोल रहा हूँ, एक्चुअली मैं इस एग्जाम को मतलब देना ही नहीं चाहता था। ओके, मतलब मेरा कुछ भी मन नहीं था, मेरा पापा मुझे एक्चुअली जबरदस्ती फोर्सफुली बोले कि जाकर दे दे, जाकर दे दे। ओके, सो मैं जाकर दे दिया, उसके बाद एक साल का मेरा एक्सपीरियंस भी हो गया। ओके, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में कुछ भी ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी ईजी होगा, लेकिन आपको यहाँ पे जो एप्टीट्यूड पूछा जाएगा उसको आपको थोड़ा सा मतलब आपको आना चाहिए। ओके, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे जिसका थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो वो यहाँ पे आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम देने के बाद, मतलब आपका एग्जाम सपोज क्लियर हो गया, ओके, क्लियर होने के बाद आप क्या करेंगे, आपका क्या होता है उसके बारे में मैं अभी आपको बोलता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो IOCL में अप्रेंटिस निकला हुआ है या फिर जो हमेशा निकलता रहता है वो दो टाइप का होता है, दो कैटेगरी में उसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस और एक होता है ट्रेड अप्रेंटिस। ओके, तो यहाँ पे जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस होता है जो कि मैं किया था, ओके, उसके लिए कौन कौन एलिजिबल है,
जो लोग डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किए होंगे, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए होंगे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ओके, ये जितना सारा ब्रांच है, मतलब और भी कुछ ब्रांच हो सकता है, ओके, सो ये सब ब्रांच से अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हो, 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हो, देन आप यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और यहाँ पे जो ट्रेड अप्रेंटिस होता है उसके लिए अगर आप यहाँ पे 10th के पास 2 साल का आईटीआई किए हो या फिर बीएससी, बीकॉम, ग्रेजुएशन, कुछ ग्रेजुएशन के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिस का बंदोबस्त किया गया है, और यहाँ पे कुछ +2 वालों के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिस का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन वो सब ट्रेड अप्रेंटिस में जाता है, ओके। और यहाँ पे जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस होता है वो सिर्फ इंजीनियरिंग वालों के लिए ही होता है, ओके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सपोज यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, मेरा मतलब अगर आप यहाँ पे एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम देने का 10-15 दिन के अंदर आपका यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ओके। तो रिजल्ट निकलने के बाद आपको ये पता चला कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, आपको मतलब उनका जो जो भी रीजन होगा, जैसे कि मेरा ईस्टर्न रीजन यानी कि मेरा कोलकाता में हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ओके, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और आपको भी ये बोला जाता है कि आपका जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, ओके, उसको निकालने के लिए भी बोला जाता है, उसका भी एक फॉर्मेट होता है, ओके, उसी फॉर्मेट के हिसाब से आपको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट सब निकालना पड़ता है, आप फिजिकली फिट हो या नहीं वो सब आपका चेक किया जाता है, ओके। आप कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल में उसका सर्टिफिकेट निकाल सकते हो, टेस्ट करके निकाल सकते हो, और यहाँ पे अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट निकाल रहे हो उसमें आपका कुछ खर्च हो गया तो उसको भी आपको यहाँ पे आईओसीएल के तरफ से 3,000 रुपया ऐसा कुछ आपको दिया जा सकता है, ओके। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हो देन आपको यहाँ पे बहुत सारा कंपनसेशन मिलेगा, आपको वहाँ पे वहाँ तक जाने के लिए भी आपको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी मिल जाता है अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, ओके। और ये वीडियो हमेशा चलेगा यूट्यूब में, आईओसीएल का अप्रेंटिस में क्या होता है क्या नहीं वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, इसी वजह से थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन ये एवरग्रीन वीडियो होने वाला है, ओके। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद 1-2 दिन के अंदर और एक मेरिट लिस्ट निकलता है जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, अगर उसमें आपका नाम है देन कंग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, और 1-2 हफ्ते के अंदर आपको यहाँ पे आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो बाई मेल आईओसीएल की तरफ से सेंड कर दिया जाएगा। तो वो जो ज्वाइनिंग लेटर होगा उसमें सब कुछ लिखा होगा कि आपको यहाँ पे कितना स्टाइपेंड मिलने वाला है, आपका ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, आपको यहाँ पे कितना छुट्टी मिलने वाला है, और आपका जो लोकेशन है, आप किस टर्मिनल में, आईएसएल का किस टर्मिनल में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हो वो भी आपको वहाँ पे दे दिया जाएगा, और कितने तारीख के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है वो भी आपको उसमें दे दिया जाएगा। और आप जहाँ पे भी ज्वाइन कर रहे हो, जो भी लोकेशन, जो भी टर्मिनल में ज्वाइन कर रहे हो, आपको क्या करना है, इस ज्वाइनिंग लेटर का प्रिंटआउट निकाल के वहाँ पे जाना है, और यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आपको जाना पड़ेगा जो कि उसमें मेंशन होगा, ओके। आपका जब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको जब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा तब उसमें देख लेना कि क्या क्या और डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो भी तारीख दिया गया होगा उस तारीख के अंदर आपको यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे क्या सीन होता है अभी मैं आपको वो बोलने वाला हूँ। देखिए, तो जो भी टर्मिनल है वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के बाद आपको एक ऐसा ऑफिसर मिलेगा जो कि जिसको आईओसीएल की तरफ से अप्रेंटिस का जिम्मेदारी, अप्रेंटिस का ख्याल रखने के लिए बोला गया होगा, ओके। आपको क्या करना है, जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनको डेली आपको उनके पास जाकर रिपोर्टिंग करना है, और पहले तो क्या होता है फर्स्ट 1 महीने तक आपको यहाँ पे कुछ आपका थियोरिटिकल क्लासेस लिया जा सकता है, और उसमें आपको कुछ बेसिक्स आइडिया दिया जा सकता है, मतलब सेफ्टी के बारे में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स के बारे में, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में, रूल रेगुलेशन, और जो भी टर्मिनल में आप होंगे, ओके, उस टर्मिनल का कुछ हिस्ट्री, कुछ उसका ज्योग्राफी के बारे में आपको बोला जा सकता है, वहाँ पे कितना मोटर स्पिरिट है या फिर डीजल है या फिर उनका टोटल स्टोरेज वहाँ पे कितना है, कुछ बेसिक आइडियाज आपको उस टर्मिनल के बारे में दिया जाता है, ओके। तो 1 महीने तक आपको कुछ बेसिक चीजें ही बताया जाएगा, और आपको आपका वर्क डायरी भी मिलेगा, और कुछ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भी मिल सकता है, जैसे कि आपका शूज हो गया या फिर आपका हेलमेट, वो सब आपको मिल जाएगा। तो वो सब मिलने के बाद आपको अलाउ किया जाएगा फील्ड में जाने के लिए। तो आप यहाँ पे वहाँ से फील्ड में चले गए तो फास्ट फास्ट आपके साथ कोई भी गाइड करने के लिए आईओसीएल का ऑफिसर या फिर आईओसीएल का एम्प्लॉई हो सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको अकेला ही जाना पड़ता है, और यहाँ पे जो टर्मिनल के अंदर आप जाएंगे, मतलब फील्ड के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे जाकर आपको बस ज़्यादा कुछ काम काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे
एज अ ट्रेनिंग के हिसाब से रखा गया है। ओके तो आपको यहाँ पे बस ट्रेनिंग लेना है, बस काम सीखना है। ओके तो क्या क्या काम वहाँ पे हो रहा है वो सबको आपको देखना है, जो भी काम हो रहा है किस प्रोसेस से हो रहा है सबको आपको यहाँ पे देखना है, और जो भी आपका वर्क डायरी होगा उसमें लिख कर रखना है। और कुछ इक्विपमेंट्स भी होगा जिसके बारे में आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा, तो वो सब इक्विपमेंट्स के बारे में आपको लिखना है और उसके बारे में डिटेल्स में जानना है कि उसका काम क्या है। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट आ रहा है देन आप वहाँ पे जो भी ऑफिसर होंगे, वहाँ पे जो भी काम कर रहे होंगे, जो भी परमानेंट एम्प्लॉय होंगे IOCL का, उनको भी आप पूछ सकते हो और वो भी आपको हेल्प करेंगे। और यहाँ पे जितना सारा ऑफिसर्स होते हैं, जितना सारा एम्प्लॉय होते हैं, वो बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ही आपको हेल्प करेंगे, बहुत ही फ्रेंडली होते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छा खासा होने वाला है और यहाँ पे आपको एक अच्छा नॉलेज, एक अच्छा एक्सपीरियंस एक साल में मिलने वाला है। और यहाँ पे क्वार्टरली भी आपका टेस्ट किया जाता है, आपका ऑनलाइन एग्जाम भी होता है, तो उसमें भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना है और उस क्वार्टर में आप क्या सीखे हो क्या नहीं वो सब कुछ उस क्वार्टर में आपको पूछा जाता है। ओके तो ये सब कुछ होता है। तो ये तो था आपका ट्रेनिंग का बात, मतलब यहाँ पे आपको कैसे ट्रेनिंग मिलने वाला है, क्या यहाँ पे काम करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए कुछ भी काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको आज ए ट्रेनिंग, आज ए अप्रेंटिस रखा जा रहा है, इसी वजह से आपको कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस आपको सीखना है। और हो सकता है कि आपका जो ऑफिसर होंगे वो आपको छोटे मोटे काम बोल सकते हैं, ओके ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, छोटे मोटे काम बोल सकते हैं जिसमें आपका ही फायदा होगा, मतलब वो काम करके आपको कुछ नया एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। तो यहाँ पे ये था हमारा ट्रेनिंग के बारे में। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो अभी आप ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये ट्रेनिंग करके आपको कुछ फायदा होने वाला है या नहीं, एक साल के बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको और एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा जो कि है स्टाइपेंड। आपका यहाँ पे स्टाइपेंड यानी कि आपका यहाँ पे सैलरी कितना रहने वाला है, आपको यहाँ पे सैलरी कितना मिलने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी आपका जॉइनिंग लेटर होगा उसमें आपका स्टाइपेंड मेंशन किया गया होगा। तो देखिए आपका जहाँ पे भी जॉइनिंग हो रहा है अगर वो टर्मिनल कोई सिटी एरिया में है, मतलब एक अर्बन एरिया में है, मतलब एक डेवलप्ड सिटी में है, देन आपको वहाँ पे सैलरी आपका स्टाइपेंड थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पे मिल सकता है। लेकिन अगर आपका जो टर्मिनल है वो एक रूरल एरियाज में है जहाँ पे रेंट बहुत कम पड़ता है, तो उस एरियाज में अगर आपका टर्मिनल है देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा कम सैलरी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम स्टाइपेंड रखा गया है वो मिनिमम आपका 13-14,000 से भी ज्यादा है और जो मैक्सिमम हो सकता है वो आपका 20,000 से कम हो सकता है, यानी कि आपको यहाँ पे 13-14,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे कोई सिटी एरिया में आपका टर्मिनल है देन आपको यहाँ पे 20,000 तक भी सैलरी मिल सकता है, स्टाइपेंड मिल सकता है। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि IOCL में एक साल अप्रेंटिस करने का फायदा क्या है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल ब्रांच से हो या फिर पेट्रोकेमिकल ब्रांच से या फिर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे IOCL में जो भी इक्विपमेंट्स होगा, जो भी वहाँ पे काम सीखने के लिए आपको बोला जाएगा उसमें ज़्यादातर इन्हीं ब्रांच का ही फायदा होता है। मतलब यहाँ पे ज़्यादातर आपको सिविल काम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ज़्यादातर आपको कोई अलग ब्रांच से हो तो उसमें काम ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर पेट्रोकेमिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके इन सब ब्रांच से हो देन आपको यहाँ पे आपके ब्रांच के रिलेटेड कुछ काम देखने को मिल सकता है जो कि आपका जो एक्सपीरियंस होगा उसको थोड़ा सा एनहांस करेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या परमानेंट होगा? नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी परमानेंट नहीं किया जाएगा। लेकिन 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 अगर इन फ्यूचर देखिए यहाँ पे IOCL का जब भी रिक्रूटमेंट हुआ है डिप्लोमा लेवल में तो वो क्या करता है, एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक साल का अप्रेंटिस अगर आप किए हो देन आप यहाँ पे आपका जो अप्रेंटिस है उसको आज एक्सपीरियंस यूज करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे IOCL भी इसको एलिजिबल मानता है। समझ गए मेरे बात? तो यहाँ पे देखिए IOCL का जो ज़्यादातर डिप्लोमा लेवल में जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है उसमें ज़्यादातर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर पेट्रोकेमिकल ये सब ब्रांच एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप इन सब ब्रांच से अप्रेंटिस कर रहे हो देन आपको यहाँ पे फ्यूचर में कुछ फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिविल ब्रांच से कर रहे हो या फिर कोई ऐसा ब्रांच से कर रहे हो जिस ब्रांच का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट IOCL नहीं करता है देन आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन 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 फ्रेंड्स अगर आपका यहाँ पे IOCL में अप्रेंटिस का मौका आपको मिल रहा है, आपका सिलेक्शन हुआ है, देन आपको यहाँ पे जरूर करना है। और वो भी तब करना जब आपके पास कुछ भी परमानेंट जॉब आपके हाथ में नहीं है
और आप अभी जस्ट क्वालिफिकेशन आपका खत्म करके घर बैठे हो उस समय ही करना, तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा एक साल का एक्सपीरियंस मिलेगा, उसके साथ कुछ अच्छा खासा स्टाइपेंड भी आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो आपका ये सब था आपका IOCL का अप्रेंटिस के बारे में। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं अच्छे से समझा पाया, लेकिन फिर भी आपके मन में कुछ भी डाउट है IOCL अप्रेंटिस के रिगार्डिंग, देन आप मुझे नीचे कमेंट करके बोल सकते हो, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे DM करके आप मुझसे बात कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।